गलियों में नहीं हो रही, बाहर रोडों की कर रहे हैं। ये रोडों की कर रहे हैं, बस थोड़ी थोड़ी करते हैं। बस साफ रोड तो एक दिन सफाई हो जाती है, दूसरे दिन तो साफ रोड होते हैं, बाकी उसी को साफ करते रहते हैं। गलियों का निज़ाम बिल्कुल वही ख़राब है। ये बिन खाली है और जो कचरा जो है उसके बराबर में फेंका गया है, उस बिन के अंदर नहीं डाला गया। तो ये एक सितम ज़रीफ़ी है हमारी। आप जरा लोगों को बताएं कहाँ फेंके कचरा? डस्टबिन में फेंकना चाहिए, डस्टबिन रखे हुए ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अबरार हुसैन और आप देख रहे हैं नैनो हैदराबादी। व्यूअर्स, मुझे मालूम है कि मेरे वीडियो बनाने का जो सिलसिला था उसमें तकरीबन 2 महीने का गैप आ चुका है। कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि मैं अपने वीडियो बनाने के सिलसिले को कंटिन्यू नहीं रख सका, लेकिन अब कुछ फुर्सत मिली है तो एक दफ़ा से फिर आप लोगों के पास मेरी वीडियोज़ पहुँच रही है। व्यूअर्स, आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है, अगर आप हैदराबाद के रहने वाले हैं तो आप लोगों ने आजकल नोट किया होगा तकरीबन 1 महीने से कि हैदराबाद की सड़कों पर आजकल ऑरेंज कलर जो है वो छाया हुआ है। मैं ऑरेंज फ्रूट की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि वो भी मार्केट में आ चुका है, मैं ऑरेंज उस कलर की बात कर रहा हूँ जो ऑरेंज कलर में मलबूस कुछ अफराद आपको हाथ में झाड़ू लिए हुए हैदराबाद की सड़कों पर सफाई करने में मसरूफ़ नज़र आते हैं, मैं उस ऑरेंज कलर की बात कर रहा हूँ। ये एक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया सिलसिला है हैदराबाद को क्लीन करने के लिए, हैदराबाद को साफ़ करने के लिए। तो आज हम ये हैदराबाद के कुछ गलियों में, हैदराबाद के कुछ सड़कों पर जाएंगे, यही चेक करने के लिए, यही देखने के लिए कि सफाई की जो ये मुहिम सिंध गवर्नमेंट की तरफ से शुरू की गई है ये किस तरह चल रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों को दिखाने चाहूँगा कि हैदराबाद में जो सफाई का जो सिलसिला है वो किस तरह चल रहा है। तो इसलिए मैं हैदराबाद के एक ऐसे इलाके में आया हूँ जो अपनी गंदगी के हवाले से काफ़ी मशहूर है, यानी कि हैदराबाद के जो एयरपोर्ट रोड है मैं उस रोड पे मौजूद हूँ जो 12 नंबर की तरफ जाता है, और ये काफ़ी जो रोड है काफ़ी कचरे से भरा रहता है। तो मैं चेक करने के लिए कि क्या वाकई यहाँ पे सफाई हो रही है और किस तरह की सफाई चल रही है, तो मैं आपको इस रोड पे लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि सफाई का वाकई सिलसिला जो है वो चल भी रहा है या सिर्फ बातें हैं। तो ये मेरे भाई बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम ये क्या बेच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी बेच रहे हैं उसको ढका हुआ है। भाई पहले तो आप अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। सर मैं अमरूद बेचता हूँ सर, सुबह इधर आता माल 10:30-11 बजे। अच्छा, अमरूद तो आपके नज़र ही नहीं आ रहे। अरे अभी आने वाला माल ना बगीचे से, डायरेक्ट बगीचे सेटिंग है मेरी, बगीचे का। ये आपका है? जी जी, समझो हमारा ही है। क्या बात है, और खैरियत से आप हैदराबाद के रहने वाले? जी जी, हैदराबाद लतीफाबाद का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, मैं आज ये वीडियो बना रहा था कि हैदराबाद में जो सफाई का सिलसिला शुरू हुआ है, आप देख रहे होंगे कि हर तरफ ऑरेंज कलर चाहिए, बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। ये इनको आप सोए हुए थे, आप इनको अब उठे ही समझो, अब देखा हैदराबाद शेयर को इनको ना। ये बल्दियाती इलेक्शन में वोट लेने का सिलसिला तो नहीं है? जी सर, यही सिलसिला है सर वोट लेने का। अच्छा जी, अभी ये लोग चाह रहे हैं आवाम को राजी करें, बहुत मुश्किल है आवाम राजी हो इनसे, पहले सोए हुए थे अभी उठे हैं समझो। ये वैसे सफाई हो भी रही है गलियों में? नहीं सर, गलियों में नहीं हो रही, बाहर रोडों की कर रहे हैं। ये रोडों की कर रहे हैं, बस थोड़ी थोड़ी करते हैं, बस साफ रोड तो एक दिन सफाई हो जाती है, दूसरे दिन तो साफ रोड होते हैं, बाकी उसी को साफ करते रहते हैं। गलियों का निज़ाम बिल्कुल वही ख़राब है। अच्छा, यानी कह रहे हैं अंदरून जो गलियां हैं वो अभी भी कचरे से भरी हुई हैं, लेकिन मेन रोड जो है वो साफ है? बिल्कुल साफ है, दिखाने की वजह से कि आवाम को दिखाया जाए हम लोग काम करा रहे हैं, बाकी इलाके में जो है ना गलियों का हाल वही बुरा है, गटर लाइन सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है। ये हुकूमत देख ही नहीं रही हमारी, माल कमा के बैठे हैं, खूब दबा के कमा रहे हैं, अभी तक गवर्नमेंट को दबा के लूट रहे हैं। ये उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा, ये सफाई का जो हैदराबाद पीटीआई आएगी इनको साफ करेगी, फिर पीटीआई आएगी साफ करेगी इनको। आप पीटीआई के सपोर्टर हैं? जी पीटीआई के सपोर्टर हैं। ये मोहम्मद हुसैन साहब जो थे इन्होंने अपना दिल खोल के रख दिया कि किस तरह हैदराबाद की गलियों में जो कचरा जो है, अंदरूनी जो गलियां हैं, जो इलाकों के अंदर जो गलियां होती हैं वहाँ पे सफाई नहीं हो रही, लेकिन जो मेन रोड है, मेन रोड के ऊपर सफाई का सिलसिला जारी है। और ये इनका भी यही कहना है कि ये सिर्फ जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं शायद उसमें वोट गेन करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए सिलसिला शुरू किया गया है, लेकिन उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं और सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सिलसिले को बंद ना करें, और बल्कि जो सिलसिला जो गलियों के ऊपर मेन रोड के ऊपर है उसको गली मोहल्लों तक भी लेके जाए, गलियों मोहल्लों के अंदर से भी कचरा उठाएं, क्योंकि ये गंदगी से जो मच्छर आ रहे हैं, डेंगू हैदराबाद में इतना डेंगू फैला हुआ है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं डेंगू की वजह से। तो इसका बुनियादी जो रीज़न है वो यही है, मेरे बैग पर भी आप देख रहे होंगे कचरा, कितनी गंदगी है ये कचरा। जब तक इसको सफाई का निज़ाम बेहतर नहीं होगा तो हमारी सेहत बेहतर नहीं होगी, हमारे बच्चे बीमार होंगे, हम बीमार होंगे। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है सिंध गवर्नमेंट से, जो ये सिलसिला शुरू किया है इसको और बढ़ाएं, ना कि इसको ख़त्म कर दें बल्दियाती इलेक्शन के बाद, बल्कि इसको सिलसिले को जारी रखें और मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। इस वक्त मैं एयरपोर्ट रोड पर मौजूद तैयबा मस्जिद के पास मौजूद हूँ, और आप तैयबा मस्जिद के बिल्कुल सामने का व्यू देख रहे हैं। यहाँ पर भी काफ़ी कचरा होता था जिसे काफ़ी हद तक उठा भी लिया गया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर कचरे को साफ नहीं किया जा सका है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये ट्रालियाँ जो गुजर रही हैं कचरा उठाने वाली, और सामने बिन भी लगा दिए गए हैं,
लेकिन कचरा अभी भी नज़र आ रहा है, जिसे मज़ीद सफाई की ज़रूरत है। इसी रोड पर अगर आगे जाते हैं तो वहाँ पर भी जो नाले के साथ साथ जो सेवरेज वाला नाला है उसके साथ साथ कचरा अभी भी मौजूद है, लेकिन पहले की नस्बत काफ़ी बेहतर है, यानी कि काम हो रहा है लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी सफाई नहीं हो सकी है। एयरपोर्ट रोड का विज़िट करने के बाद हम ऑटोबान रोड पर मौजूद हैं और आप स्क्रीन पर 12 नंबर चुरंगी भी देख रहे हैं। ये वही रोड है जिसकी तरफ से हम अभी आए हैं और इस वक्त जो मेरी एग्जैक्ट लोकेशन है, मैं मौजूद हूँ ऑटो बोस्टन हाउस पब्लिक स्कूल के बिल्कुल बराबर में। और ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये बोस्टन हाउस पब्लिक स्कूल की दीवार है और इसके बराबर में काफ़ी कचरा मौजूद होता था जिसे उठा लिया गया है और यहाँ पर एक बिन भी रख दिया गया है ताकि आप लोग कचरा जो है दीवार के बराबर में फेंकने के बजाय इस डस्टबिन में डालें और फिर ये डस्टबिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो अहलकार हैं वो इस बिन को उठा के ले जाएंगे और जो कचरा है उसको कहीं ठिकाने लगा देंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको रोड का व्यू दिखाऊं तो रोड पर झाड़ू लग चुकी है और यहाँ से जो कचरा जो है उसको उठा लिया गया है। अब हम ऑटोबान रोड पर आगे चलते हैं और देखते हैं कि सफाई की क्या पोजिशन है। जी तो व्यूअर, इस वक्त मैं ऑटोबान रोड पर मौजूद गैलेक्सी हॉल के बिल्कुल सामने खड़ा हूं और यहां की जो पोजीशन है, यहां पे रोड पे झाड़ू लगाई जा चुकी है, बल्कि रोड तो साफ़ ही होता है, रोड के जो किनारे होते हैं वहां पे जो शॉपिंग बैग वगैरह जो रेपर्स होते हैं वो बिल्कुल उठा लिए गए हैं। और मैं कुछ आगे देखूँ तो वहाँ पर कुछ एहलकार जो हैं अभी भी झाड़ू लगाने में मसरूफ़ हैं, तो मैं उनके पास भी लेकर चलता हूँ आपको। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर सामने आ चुके हैं, ये बिल्कुल बावर्दी होकर झाड़ू लगा रहे हैं, कैप पहनी हुई है और ड्रेसिंग ये ऑरेंज कलर की ड्रेस है, ये आपको आजकल हैदराबाद की तकरीबन सड़कों पर नज़र आ रहे होंगे। तो ये एक अच्छी बात है, हमें भी सिंध गवर्नमेंट के इस अमल का हिस्सा बनना चाहिए, साथ देना चाहिए इसका और अपने मोहल्ले को साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। और जो रेपर हम रोड पर या सड़कों पर फेंक देते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि उसे डस्टबिन में डालें। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश, मुकेश कहाँ रहते हो? नए पुल पर। नए पुल के रहने वाले? ये कब से आप ये काम कर रहे हो? सिंध गवर्नमेंट की तरफ से है? ये प्राइवेट है। अच्छा, ये प्राइवेट, सिंध गवर्नमेंट ने यानी कि प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया है? ये हाँ, तुर्की का ठेका है ये। अच्छा, तुर्की की तरफ से ये ठेका है। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जो हम लोगों की फैलाई हुई गंदगी को आप लोग साफ़ करते हो, हम जो फेंक देते हैं, या बहसियत शहरी ये हमारी जिम्मेदारी है जो हम कचरा उठा के फेंक देते हैं, डस्टबिन में नहीं डालते हैं, रोड के ऊपर फेंक देते हैं। तो फिर इन भाई को मेहनत करनी पड़ती है उस कचरे को साफ़ करने के लिए, उस कचरे को ठिकाने लगाने के लिए। तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है कि कचरे को जितना मुमकिन हो सके मैं कचरे को उसकी प्रॉपर जगह पर फेंकूँ ताकि इन लोगों को मेहनत कम करनी पड़े। बताएँ आप जरा लोगों को बताएँ कहाँ फेंके कचरा? डस्टबिन में फेंकना चाहिए, डस्टबिन रखे हुए हैं ना, ये जगह जगह हैदराबाद में डस्टबिन लगाए गए हैं। तो ये भाई भी बता रहे हैं, मुकेश भाई, कि जो कचरा जो है कचरे को डस्टबिन के अंदर फेंकें ताकि इनको कम मेहनत करनी पड़े। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश भाई, आप जिस तरह हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लतीफाबाद यूनिट नंबर 6, ये मेरे बैग पर आप देख रहे होंगे, ये रोड जा रहा है सीधा हिलाल अहमर की तरफ जो एक मशहूर हॉस्पिटल है। तो मैं ये हैदराबाद का एक ऐसा इलाका है जिसे मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि ये जहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं रहते और जहाँ पे कम इल्म लोग रहते हैं, जिनको शऊर ना हो ऐसे लोग रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम जो बात करते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट सफाई नहीं करवाती या गवर्नमेंट जो है हमारा ख्याल नहीं रखती, अगर गवर्नमेंट ख्याल रखे भी तो किस तरह में उसके लिए हमें अपने अंदर कुछ हमारे अंदर भी शऊर होना चाहिए, कुछ हमारी भी जिम्मेदारियाँ। मैं आपको उसी की एक छोटी सी मिसाल जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो व्यूअर्स, मैं ये दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर एक खाली घर है जो अभी प्लाट अभी बना नहीं है, खाली जगह है। तो यहाँ पे कचरे जो लोगों को ये मिल गई है, कचरा कुंडी बनाने के लिए जगह मिल गई है, लोगों ने यहाँ पे कचरा फेंकना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये सारी जो शॉपर्स हैं बैग भरे हुए हैं कचरे के साथ, और ये देखिए ये सारा जो है कचरा यहाँ पे फेंक के लोग जा रहे हैं, अपने घर का जो भी कचरा होता है जो शॉपरों में डाल के यहाँ पर फेंक के जा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि इसके बराबर में ही एक बिन रखा है, उस बिन के अंदर ये कचरा नहीं डाला गया। ये देखिए बिन भी खाली है, ये आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, ये बिन खाली है और जो कचरा जो है उसके बराबर में फेंका गया है, उस बिन के अंदर नहीं डाला गया। तो ये एक सितम शरीफी है हमारी, ये इस चीज़ का कुछ हमें भी ख्याल होना चाहिए, हमें भी एहसास होना चाहिए। हमारा इलाका है, हमारा मोहल्ला है, हमारे ही बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, हम खुद यहाँ पर गुजरते हैं। अगर ये कचरे की थैली है, ये कचरा जो है बजाय यहाँ पर फेंकने के हम इस बिन के अंदर डाल देते तो हमारा कितना, हमारी कितनी मेहनत सर्फ हो जाती या हमारा कितना वक्त लग जाता।
तो ये हमारी एक जिम्मेदारी है जिसे हमें भी पूरा करना चाहिए। सारी बातें गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डालनी चाहिए, कुछ अपनी जिम्मेदारियों का भी ख्याल करना चाहिए। आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे काफ़ी कचरा पड़ा हुआ करता था, मगर अभी बिन भी रखा हुआ है यहाँ पर और कचरा भी जो है काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। तो ये ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहा, काम हो रहा है, बिल्कुल काम हो रहा है। देखें आपको रोड जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आ रहा होगा, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ हमारी भी जिम्मेदारियाँ, हमें भी उसको पूरा करना है। फेवर इस वक्त हम मौजूद हैं लतीफ़ाबाद नंबर 8 के मेन चौक के ऊपर। ये लतीफ़ाबाद 8 का मेन चौक है, इस तरफ हम चले जाएँ तो मनान होटल आ जाता है और ये फनलैंड जो है प्लाज़ा है और ये 7:45 वाला रोड जो है लतीफ़ाबाद 7:45 की तरफ जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक डिस्प्ले लगाया गया है, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है, अब होगा साफ अपना हैदराबाद। मौजूदा जगह पर कूड़ा करकट SSWMB ने पाक अल्ट्रस कंपनी के तावुन से साफ करवा दिया है। अवामुल नास से गुजारिश है कि इस जगह को कचरा कुंडी ना बनाएं, कूड़ा करकट हमेशा SSWMB के रखे हुए कूड़ादान में फेंकें। आप और हम मिलकर ही अपने शहर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, शुक्रिया इंतज़ामिया। देखिए यहाँ पे वाज़े अल्फाज में हिदायत भी लिखी गई है, डस्टबिन रखने के साथ साथ हिदायत भी लिखी गई है और उर्दू में लिखी गई है, मगर उसके बावजूद ये देखें ये जगह कचरा कुंडी ही है अभी तक। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर एक नहीं, 1, 2, 3 यहाँ पर 3 बिन रखे गए हैं और बिन भी खाली हैं, मगर उसके बावजूद जो है कचरे का जो है वो हमने नीचे ही फेंकना, हम इस कदर जो है वो लापरवाह बिगड़ चुके हैं कि हमें कुछ होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह अपने शहर को साफ रखें, हमें कोई उसकी परवाह नहीं है। कचरा हमने नीचे ही फेंकना है, भले जितने भी डस्टबिन यहाँ पे लग जाएं, और कचरा नीचे फेंकने के बाद हमने गालियाँ देनी है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है वो सही काम नहीं करे। गवर्नमेंट अब क्या करे, मुझे समझाएं ज़रा, गवर्नमेंट क्या करे, आपका हाथ पकड़ के जो कचरा है वो डस्टबिन के अंदर डलवाए, फिर गवर्नमेंट ठीक रहेगी? ये आलम है हमारा। और ये भी एक मशहूर इलाका है, कोई गाँव देहात की बात नहीं हो रही है, कोई गांव देहात में नहीं खड़े हुए हम। ये देखो 7:45 का रोड है, 7:45 का रोड है ये। ये देखें एक साहब आ भी रहे हैं, तभी देखें क्या करते हैं ये। ये शायद किसी घर से हैं, कहीं से डस्टबिन लेके आए हैं और ये खाली। ये आलम है हमारा, ये हमारी बदकिस्मती है। जी तो विवाद आप लोगों ने देखा है, लतीफ़ाबाद के मैं कुछ इलाकों में गया, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कहाँ पे सफाई हो रही है और किस तरह की सफाई चल रही है। ये जो हैदराबाद में कचरों के जो ढेर लगे हैं ये यकीनन एक दिन में नहीं लगे हैं और इसको साफ करने में भी एक दिन या एक महीने का वक्त नहीं चाहिए, ज़्यादा वक्त चाहिए। तो उम्मीद है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने यह सिलसिला शुरू किया है, यह सिलसिला अगर चलता रहा, यूँ ही चलता रहा और कुछ हमने बहैसियत शहरी भी सिंध गवर्नमेंट का साथ दिया और अपने अपने इलाके अपने मोहल्लों को साफ रखने की कोशिश की, या जिस तरह मैंने आपको आप लोगों को वीडियोस में दिखाया कि डस्टबिन के होते हुए भी हम जो कचरा जो है वह नीचे फेंक रहे हैं, तो इस तरह के अमल से खुद को बचाया और कचरे को जो प्रॉपर जगह पर फेंका, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो शहर हैदराबाद है इंशाल्लाह साफ होगा, बिल्कुल क्लीन होगा, इसके रोड इसकी गलियाँ बिल्कुल साफ होंगी। और मेरी सिंध गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि सफाई के कचरे को उठाने के साथ साथ जो हैदराबाद में एक सेवरेज का जो मसला है वो बहुत बड़ा मसला है, हर जगह से जो नालों में से पानी निकल रहा है, बराए मेहरबानी उसके ऊपर भी तवज्जो दी जाए और सेवरेज का जो सिस्टम है उसको भी सही किया जाए ताकि लोग जो हैं गंदे पानी से महफूज रहें। जो रोड हैं रोड के ऊपर, रोड टूटने की भी एक बड़ी वजह यही है कि हमारी जो सेवरेज का पानी जो है रोड के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से रोड भी टूट जाते हैं। तो बराए मेहरबानी सेवरेज के निकासी जो है निकासी के ऊपर भी तवज्जो दी जाए, इनको भी सही किया जाए। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को शेयर करें और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आप लोगों के पास मेरी इस तरह की मजीद वीडियोस पहुंच सकें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।